हेलो फ्रेंड्स, हेलो 11th क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर क्वाइट वेल। मेरा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ये जो फॉर्मूले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को ये हमेशा लाइफ टाइम याद रखने पड़ेंगे अगर आपको मैथ्स आगे पढ़ना है तो। और क्योंकि आपने 11th और में मैथ्स लिया है तो फिर आप लोगों की मजबूरी बन जाएगी आपको मैथ्स पढ़ना। तो क्या है हमारे पास, देखिए पहला ही फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन एक्स। यानी कहने का मतलब यह है कि साइन पीछे निकल जाएगा और कितना हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। यह सही, जैसे अगर कोस एक्स के अंदर माइनस की बात करें तो कोस एक्स पीछे माइनस नहीं जाएगा, कोस माइनस को खा जाएगा, तो कितना होगा हमारे पास, कोस एक्स, बस माइनस हटा देंगे यहाँ से। जैसे अगर हमारे पास है कहीं कोस माइनस 45, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस 45। बस कोस 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ना कि माइनस कोस 45 की, इस तरीके से। फिर उसके बाद देखते हैं हम कोस एक्स प्लस वाई, तो कोस प्लस में कोस कोस, कोस प्लस में इस तरीके से याद करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोस प्लस में कोस कोस, देखो कितना हो जाएगा हमारे पास कोस, और ये जो मार्क है कहेगा हो जाएगा हमारे पास माइनस का हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि कोस प्लस में कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर उसके बाद कोस माइनस में आप लोगों को जहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को प्लस का मार्क लगाना है, और वही कोस एक्स कोस वाई माइनस की जगह प्लस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई, इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद है साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई यानी साइन या हो जाएगा साइन कोस कोस साइन। अगर साइन एक्स प्लस वाई का आप इस तरीके से करें तो साइन कोस कोस साइन, उसमें था कोस कोस साइन साइन, कोस एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले में ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है, लेकिन बस ये याद करना है कि कोस में कोस कोस साइन साइन, कोस माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, फिर साइन एक्स प्लस वाई में साइन कोस कोस वाई, साइन कोस कोस वाई, इस तरीके से याद करना। अगर यहाँ पर प्लस का है तो साइन में तो प्लस का रहेगा, तो डजंट चेंज मार्क। उसके बाद साइन एक्स वही फॉर्मूला है हमारे पास, बस यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस तरीके से आप लोगों को लर्न करना है। कोस में कोस कोस साइन साइन, कोस में कोस कोस साइन साइन, साइन में साइन एक्स या साइन कोस कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, इस तरीके से आप लोगों को ये आप लोगों को ये मार्क ध्यान रखने पड़ेंगे, बस यही हो। उसके बाद हमारे पास सेवन टेन एक्स प्लस वाई, अगर टेन एक्स प्लस वाई तो टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये यहाँ पे एक्स, ठीक है ना, ये इस तरीके से, तो ये एक्स यहाँ पे हट गई, तो ये यानी अगर प्लस है ऊपर तो प्लस आएगा, नीचे ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, और अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। उसके बाद कोट एक्स प्लस वाई में कोट एक्स माइनस कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस वन अपॉन कोट वाई प्लस कोट एक्स, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कोट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कोट एक्स इंटू कोट वाई प्लस वन अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स, वही है बिल्कुल सेम, बस इसमें जो काम नीचे करना था उसमें ऊपर करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, बस बात का ध्यान रखना है, इससे आप लोगों को थोड़ा सा लर्न हो जाएगा ये। उसके बाद हमारे पास कोस टू एक्स, कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चार फॉर्मूले होते हैं कोस टू एक्स के, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और उसके बाद है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और उससे बाद में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आप लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब। उसके बाद साइन टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, दो फॉर्मूले साइन टू एक्स के होते हैं, साइन टू एक्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टू टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना, अगर ठीक है ना, तो टू इधर घूम जाएगा और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, बस साइन टू एक्स का फॉर्मूला, और टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। उसके बाद टेन टू एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो टेन को इधर जैसे टू को इधर घुमाया था साइन के केस में, तो इधर टेन टू टेन एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। फिर ये थ्री वाले फॉर्मूले हमारे पास, टू वाले खत्म हुए, कौन से हैं, थ्री वाले, तो साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन की क्यूब एक्स, तो थ्री को यहाँ घुमा देंगे और माइनस फोर साइन की क्यूब एक्स। कोस में क्या होता है, इधर कोस आ जाएगा, फोर कोस की क्यूब एक्स माइनस कोस थ्री एक्स, इस तरीके से आप लोगों को ये करना है, ठीक है ना। तो ऐसे टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, टेन थ्री एक्स के किस में क्या करना है, थ्री टेन एक्स माइनस टेन की क्यूब एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, थ्री टेन स्क्वायर एक्स, ये आप लोगों को लर्न करने हैं किसी भी एट एनी रेट। अगर आप, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री बेस होते हैं फॉर्मूले के ऊपर, अगर फॉर्मूले याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सूटेबल रहेगा, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज रहोगे। वैसे भी ये प्रैक्टिस में जैसे जैसे आएंगे आप लोगों को लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू टू कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, और कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, तो कोस प्लस में कितना है हमारे पास, कोस कोस, कोस माइनस में साइन साइन, ध्यान रखना
कोस प्लस में कोस कोस, कोस माइनस में साइन साइन, बस टू कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, इतने ध्यान रखना है, एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो कोस प्लस में कोस कोस, कोस माइनस में साइन साइन, साइन प्लस में साइन कोस और साइन माइनस में कोस साइन, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो फिर एक बार रिपीट करते हैं, कोस प्लस में कोस कोस, कोस माइनस में साइन साइन, साइन प्लस में ये आप लोगों को दोनों, साइन प्लस में साइन कोस और साइन माइनस में कोस साइन, ठीक है ना। तो बस वही एक्स प्लस वाई अपॉन टू करना है फिर। तो अगर आप लोगों को ये बात फिट गई दिमाग में कि कोस प्लस में कोस कोस होता है तो एक्स प्लस वाई अपॉन टू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, साइन के बस ये माइनस ध्यान रखना है क्योंकि माइनस ये माइनस को भी ध्यान रखना है आप लोगों को, मेंशन करना है ये माइनस जो है ना, ये माइनस ध्यान रखना, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास टू कोस एक्स, टू कोस एक्स इंटू कोस वाई, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस एक्स प्लस कोस, यानी कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। उसके बाद है टू साइन, देखो अगर कोस कोस होगा तो भी कोस कोस आएगा, और दोनों साइन साइन हुए यहाँ पे तो भी कितना होगा हमारे पास, साइन साइन का ही फॉर्मूला बनेगा, किसका बनेगा, साइन साइन का। देखिए इन दोनों के केस में आप देख रहे होंगे कि अगर दोनों में कोस कोस आ जाए और मल्टीप्लाई में हो तो दोनों का फॉर्मूला कैसे बनेगा, कोस कोस, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, इधर हो जाएगा माइनस का टू साइन, बस इस माइनस का ध्यान रखना क्योंकि ये माइनस लग जाएगा चला जाएगा तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। तो कितना जाएगा हमारे पास, माइनस का टू कोस, टू साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। उसके बाद अगर साइन कोस में कोई सा भी एक कोस साइन आ गया, सॉरी कोई सा भी अपोजिट आ गया, अगर साइन की जगह कोस आ गया तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास प्रॉब्लम, दोनों साइन साइन बनेगा, यहाँ भी साइन बनेगा यहाँ भी साइन बनेगा। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो कोस कोस के फॉर्मूला बनेंगे, दोनों ध्यान रखना, अगर दोनों एक जैसे हैं चाहे साइन हो चाहे कोस तो फॉर्मूला बनेंगे कोस के ओनली, यानी अभी यहाँ भी कोस आएगा यहाँ भी कोस आएगा यहाँ भी कोस आएगा यहाँ भी कोस आएगा। लेकिन अगर साइन और कोस दोनों इकट्ठे आ गए और टू से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये बनाना आप लोगों को, फिर टू कोस एक्स साइन वाई, ठीक है ना, इधर कोस एक्स इधर आ गया साइन वाई इधर आ गया तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ये फॉर्मूले और करने हैं आप लोगों को लर्न, ठीक है ना। उसके बाद है ये 90 माइनस थीटा वाले तो हमने 10th क्लास में लर्न किए हुए थे, उसके बाद है 90 प्लस थीटा वाले मैंने आज कराए केवल, उसके बाद 180 माइनस के भी होंगे, 180 प्लस के भी होंगे, 270 प्लस के भी होंगे और 270 माइनस के भी होंगे और 360 प्लस के भी होंगे और 360 माइनस के भी होंगे, उनके बारे में कल डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल आप ये देख लीजिए। तो साइन 90 प्लस थीटा, पहले तो देख लीजिए कि साइन जब भी 90 वाला केस बनेगा, 90 वाले फॉर्मूले बनेंगे तभी साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कोट में और कोट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में, इस तरीके से आप लोगों को करना है। देखो साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90, कहाँ है 0 से 90, उसके बाद फिर कहाँ पे जाना हम लोगों को, 90 से आगे। तो 90 प्लस थीटा का मतलब हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो कि साइन क्या क्या होता है, प्लस का, तो इसीलिए यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस मार्क, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूले मैंने याद किए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर उसे लिखा है ऑल स्टूडेंट 10 क्लास से, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास से देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन प्लस है, ऑल स्टूडेंट यानी साइन और साइन का उल्टा कोसेक, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में केवल दो ही प्लस के होंगे, साइन और कोसेक। तो वही देखो मैंने किया, कोस बदलेगा साइन में, लेकिन कोस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का, तो माइनस आ जाएगा 10, इस वाले को देखना है, इस वाले को चेक करना है, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में कहे का होता है माइनस का, तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये कहे का होता है माइनस का तो ये कहाँ हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। सेक भी कहे का होता है माइनस का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और कोसेक क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट प्लस का होता है तो कोसेक बदलेगा साइन में, लेकिन कहे का मार्क आएगा, प्लस का मार्क आएगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर किसी प्रॉब्लम में कोई समझने में कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।